धर्मनिरपेक्ष शब्दों तो मतलब बहुत सारे लोग इजीली समझ जाते हैं, लेकिन समाजवाद के दृष्टिकोण से भारत के संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी है उसमें अगर कुछ निर्देश दिए हैं तो वो किस तरह से है, आप उसे कैसे समझाना चाहेंगे? डॉक्टर सरोजांगी मैम, एमएनटी न्यूज चैनल के आयोजकों ने आज का जो विषय है चर्चा के लिए रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। सर्वप्रथम इस विषय में संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक जो मूल्य है, इन तीनों मूल्यों का समावेश संविधान में किया गया है। और संविधान में इस मूल्य का जो प्रावधान किया गया है उसकी एक पार्श्वभूमि भी है। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत धर्म के, जाति के, संप्रदाय के अनेक मार्गों से यह भारतीय समाज बटा हुआ है। और इस बटे हुए समाज को संविधान के माध्यम से एक संघ करना, एकत्रित लाना, यह बहुत ही मुश्किल बात। जब इन अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय में बटे हुए लोग तुम्हें एकत्रित करना है और इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का, तो हमें समाज में ऐसे मूल्यों का निर्माण करना पड़ेगा। ऐसे मूल्यों के माध्यम से सभी समाज बांधवों को हमें एकत्रित करना पड़ेगा, जिससे इस देश में एकता बनाए रखने में जो सहायक हो। हम देखते हैं कि संविधान का जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में ही धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की एक अपेक्षा इस प्रियम्बल से हमें दिखाई देती है। इसमें हम देखते हैं कि इस समाज को एक राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करने की संविधान के माध्यम से एक प्रयास किया गया है, एक उपाय किया गया है कि जिसके माध्यम से समाज को बांधे रखे। तो फिर इन्हें यदि हमें बांध कर रखना है तो हमें धर्म को का विचार नहीं करना पड़ेगा। जिन जिन क्षेत्र में जो जो विषमताएं हैं, उन विषमताओं को हमें यहाँ से पहले नष्ट करना होगा, क्योंकि यही विषमता समाज में एक संघर्ष पैदा करती है, लोगों में भेदभाव पैदा। इस संघर्ष को मिटाने के लिए धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी राज्य, किसी भी धर्म को अपने राज्य का धर्म नहीं बनाएगा, यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा या राज्य के व्यवहार में किसी भी धर्म को प्राथमिकता दी नहीं दी जाए। इसके साथ ही समाजवादी इस मूल्य के आधार पर समाज की, भारतीय समाज की जो आर्थिक स्थिति है, और वह आर्थिक स्थिति को यदि हम देखते हैं तो इस आर्थिक स्थिति में भी बहुत विषमता हमें दिखाई दे। इस यह विषमता आने का मुख्य कारण है कि इस देश में
संविधान के पहले जो समाज व्यवस्था लागू थी, उस समाज व्यवस्था को, उस समाज रचना को विशिष्ट मूल्यों के माध्यम से चलाया जा रहा था। समाज को चार वर्णों में बांट दिया गया और इन चारों वर्णों में अलग अलग हक और अधिकार उन्हें प्रदान किए गए। इसमें जो आर्थिक अधिकार उन्हें दिए गए थे उसमें भी काफी विषमता है। इस वर्ण व्यवस्था को यदि हम देखते हैं तो एक विशिष्ट गुटों को उन्होंने पद प्रतिष्ठा और संपत्ति का पूरा पूरा अधिकार दे रखा था। सभी को जो भी सुविधाएं हैं, जो भी ऐश्वर्य है, वो किसी खास वर्ण को दिया गया था। और एक वर्ण ऐसा भी है जो शूद्र वर्ण है, उसके सारे आर्थिक जो अधिकार है वो अधिकार से उन्हें वंचित रखा। इस कारण हम देखते हैं कि भारत की समाज व्यवस्था में बहुत ज्यादा दरिद्रता हमें दिखाई पड़ती। और यदि समाज को तुम्हें समाज का यदि कल्याण करना है तो समाज को जिन जिन बातों से वंचित रखा गया है उन्हें वह प्रदान करना, यह शासन का जो सत्ताधारी पक्ष है उसका यह कर्तव्य है कि वह समाज के इन समस्याओं का समाधान दे। समाजवाद संविधान में या भारतीय समाज में समाजवाद क्यों ना, क्योंकि समाजवाद के माध्यम से जो भी पूंजीवाद इस देश में बढ़ा हुआ है उसे खत्म करना और आर्थिक रूप से समान व्यवस्था की निर्मिति करना, यह समाजवाद का काम है। और यह समाजवाद सभी को आर्थिक समानता के माध्यम से उनकी उपजीविका है या व्यवसाय और व्यापार की जो संधि है वह उसमें प्रदान करता है। और जिन व्यवसायों से, जिन आर्थिक व्यवस्था से इस एक वर्ण को वंचित रखा गया था, तो जो आर्थिक दृष्टि से जो ये शूद्र वर्ण एक अवनति के कगार पर खड़ा हुआ है, भयंकर दरिद्रता से दरिद्रता है, शूद्र अति शूद्र जो समाज है उस समाज में अति दरिद्रता हमें दिखाई दे, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश के सभी नागरिकों का ध्यान रखे और खास करके उनके जो आर्थिक व्यवस्था है, उनका जो आर्थिक समस्या है उन्हें सुलझाने का वह प्रयत्न। तो संविधान के माध्यम से कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और उन मूलभूत अधिकारों के माध्यम से समानता और स्वतंत्रता उनको प्रदान की गई और यह समानता और यह स्वतंत्रता प्रदान करते समय किसी जात, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक क्षेत्र में, वह आर्थिक क्षेत्र हो, वह राजकीय क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में यह भेदभाव न हो, इसका प्रावधान किया गया। लेकिन फिर भी यदि इन वंचित क्षेत्र के, वंचित समाज के लोगों को आपको यदि आर्थिक रूप से विकसित करना है, यदि आपको उनका हित करना है, तो उनके लिए कुछ प्रावधान भी संविधान के माध्यम से किए गए हैं और वह प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से किए गए हैं। और यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से समाज में जो जो निर्धन लोग हैं, जो जो वंचित लोग हैं, जो अपनी आर्थिक
विकास में उनके कुछ हर्डल्स निर्माण हुए हैं, वह अपना आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे। ऐसे समय में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से राज्यों को संविधान यह सूचित करता है कि ऐसे आर्थिक रूप से निम्न लोगों के लिए जो दरिद्र है उनके लिए ऐसे प्रावधान, ऐसे उपाय योजना, ऐसे ये किए जाए कि उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो, उनका आर्थिक विकास हो। और इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से संविधान या शासन राज्यों पर यह जवाबदारी देता है कि इनका जिन जिन क्षेत्र से जिन जिन माध्य इसमें इन्हें वंचित रखा गया है, जो पीछे पिछड़ चुके हैं, उन्हें ये इन पिछड़े हुए लोगों को मुख्य प्रवाह तक लाने के लिए उनमें विकास की प्रक्रिया एक शुरू होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, उन्हें इस देश का कोई भी नागरिक भूखा न सोए, इसका भी प्रावधान ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में किया गया। इसके बाद सभी को अपनी उपजीविका कमाने का और प्राप्त करने का प्रावधान यह राज्य ने करना चाहिए। लोगों के लिए ये सभी उपजीविकाओं के साधन उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कर देना चाहिए। हर आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वह उद्योग हो, चाहे वह व्यवसाय हो, चाहे वह रोजगार हो, सभी में सभी को समान संधि प्राप्त, यानी संविधान के प्रीएम्बल में सबको समान दर्जा और समान संधि की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, यह प्रावधान किया गया है। और इस समाज को, इस देश को लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से इस देश का विकास कैसे, इस समाज का विकास कैसे हो, इसका भी प्रावधान किया गया है। और इस विकास के लिए जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उन लोकतांत्रिक मूल्यों को समाज में उनका प्रचार प्रसार करना और समाज में इन मूल्यों की निर्मिति करना, उन मूल्यों से लोगों की पहचान कराना। ये लोकतांत्रिक मूल्य कौन से हैं? स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, यानी इन तीन मूल्यों के माध्यम से आप लोगों को न्याय दिला सकते। और भारतीय समाज की जो समाज व्यवस्था है, जो विभिन्न जातियों में, विविध विभिन्न संप्रदायों में बटी हुई, इन बटे हुए लोगों को एक धागे में पिरोने का काम इस संविधान के माध्यम से, और संविधान में जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उन लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से सभी लोगों को संविधान करता है, यह लोकतांत्रिक शासन। और इन्हीं तीनों मूल्यों के माध्यम से समाज एक समता निश्चित समाज रचना की ओर ले, देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना, तीनों मूल्यों की आवश्यकता इन सभी के लिए है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से हम समाज में जो विषमता है, उस विषमता को हम नष्ट कर सकते हैं। और सभी जो भी इन हक और अधिकार से जो भी लोग वंचित है, उन्हें वो हक और अधिकार उन्हें हम दिला सकते हैं। और ध्यान देने के लोगों की मानसिकता को भी तुम्हें बदलना होगा,
और इस मानसिकता को बदलने के लिए जो लोकतांत्रिक गुण है जिसे हम बंधुता कहते, उस बंधुता की निर्मिति जब तक लोगों के मन में नहीं होगी, लोगों के मन में जब ये बंधुत्व के भाव के ये नहीं होगी, तब तक वो दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रगति के प्रति, दूसरों के विकास के प्रति वह जागरूक नहीं होंगे। या ये सभी हमारे भक्ति है और सभी को जीने का अधिकार है, सभी को सभी सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है और सभी को अपने अधिकारों के साथ जीने जीते देना और लोगों के साथ वैसे ही भाईचारे का एक भावना रखकर लोगों के साथ व्यवहार, यह सभी चीजें करने के लिए इन तीनों मूल्यों की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए जो संविधान करता है उसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को लोकतांत्रिक मूल्यों से पछड़ना संविधान की नीति।